साथियों पहुंचा दीजिए इस लाइव वीडियो को पूरे देश में, जिससे आज इस निकम्मी सरकार का पूरे देश को पता चल जाए। साथियों आप लोगों को पता होगा कि आज से करीब एक साल पहले हरियाणा के बावल विधानसभा, जो बावल एक गांव है जिसको हरियाणा की विधानसभा से जोड़ा गया है, जो रेवाड़ी जिले में पड़ता है, उस बावल गांव के पास एक गांव पड़ता है मोहनपुर बावल। साथी मोहनपुर बावल में करीब आज से एक साल पहले एक हमारे समाज की करीब 13 वर्षीय लड़की, जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट थी, और आज उसको लापता हुए। साथियों एक साल हो चुका है। हमारे समाज के काफी बुद्धिजीवी साथी उस बेटी को प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए करीब एक साल से धरने पर बैठे हुए हैं। साथियों शर्म की बात तो इतनी है कि जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, जिस विधानसभा के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूं, बावल विधानसभा में जो एमएलए है, जो विधायक है, वो भी अपने ही समाज का है, बनवारी लाल, जिसका नाम है साथी बनवारी लाल। बनवारी लाल के घर के सामने करीब एक साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है, पर हमारे समाज की बेटी, हमारे समाज की एक छोटी सी बिटिया जो कि 9th क्लास की छात्रा थी, उसका आज तक भी कोई पता नहीं है। साथियों पता नहीं उस बेटी का क्या हाल, वो दरिंदे जिन्होंने उनको किडनैप किया हुआ है, क्या हाल वो दरिंदे कर रहे होंगे, हमें पता भी नहीं है कि किस तरीके से वो बेटी जी रही होगी, इसके बारे में भी साथियों हमें नहीं पता। पर हम उम्मीदें सिर्फ ये लगा सकते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपना प्रयास करके हम उस बेटी को ढूंढने का काम करेंगे, और उस बेटी को ढूंढ करके उस परिवार के पास उस बेटी को पहुंचाएंगे, जो एक साल से जो परिवार तड़प रहा है, जो एक साल से अपने बेटी के आने की जो सपने जो परिवार देख रहा है। साथियों कितना घिनौना काम ये मनुवादी सरकार हम लोगों के साथ कर रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। साथियों जिस बीजेपी सरकार का कुत्ता, जिस बीजेपी सरकार की एक मंत्री का कुत्ता खोने के बाद, साथियों 2400 घंटे में कुत्ते को ये लोग ढूंढ सकते हैं, आज एक समाज की एक बेटी, एक दलित समाज की बेटी आज एक साल से लापता है, जिसका आज तक भी कोई सुराग नहीं है। साथियों कितने सोचने और समझने का विषय आज हम लोगों के बीच में आ गया है, कितनी गहराइयों की ये बात है कि आज हमारे समाज की उस बेटी किस तरीका की जिंदगी वो जी रही होगी, पता नहीं कितने दरिंदगी में वो बेटी हमारी जिंदगी जी रही होगी, साथियों आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। साथियों मैं उस बेटी के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि साथियों 27/6/2018 को करीब छुट्टी के टाइम वो बेटी गायब हुई थी। साथियों 27 जून 2018, मतलब एक साल पहले वो बेटी गायब हुई थी। साथियों जिसका नाम शिवानी उमर, जिस समय वो बेटी हमारी गायब हुई थी, जिस समय हमारी उस बेटी का किडनैपिंग हुआ था, उसकी उम्र उस समय 12 साल थी। साथियों उस 12 साल की बच्ची को जब उठाकर जो किडनैपर जो लेकर के गए हैं, आज एक साल से उस बच्ची के साथ क्या किया होगा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम ये भी नहीं सोच सकते उस बेटी के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, उस वो बेटी हमारी जिंदा भी है या नहीं है, आज तक भी पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। साथियों जन कितने ज्ञापन, जन कितने आंदोलन रेवाड़ी जिले में हमारे समाज के लोगों ने किए हैं, पर किसी भी प्रकार से किसी भी कोई सुनिश्चित कोई ठीक प्रकार से कोई आश्वासन किसी भी अधिकारी या किसी भी सरकार के किसी नुमाइंदे का नहीं मिल रहा है। साथियों आज हम उस बेटी के बारे में चर्चा करने के लिए, उस बेटी के बारे में पता करने के लिए कि क्या केस, आज तक क्या कार्रवाई उस बेटी को ढूंढने में इस मनुवादी प्रशासन, इस मनुवादी सरकार ने की है, जो ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो ये लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो हाहाकार ये सरकार मचाती है, आज तक भी उस बेटी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो इस बेटी को ये लोग ढूंढ पाएंगे भी या नहीं ढूंढ पाएंगे। साथियों शिवानी नाम की बेटिया जो कि मोहनपुर गांव के रहने वाली, जिसके पिताजी का नाम श्री सोनू जी है, आप अंदाजा लगाइए कि जिस
परिवार की एक छोटी सी बिटिया, जिस परिवार की एक परी, जिस परिवार की एक छोटी सी बिटिया गायब होती है, उस परिवार पर कितनी मुसीबतें आ रही होंगी, किस वो परिवार किस प्रकार से रातों की नींद और चैन अपनी आंखें मीच करके ले रहा होगा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। साथियों, इसी सरकार ने हम लोगों के साथ इतना घिनौना काम जो किया है, उसका जवाब पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होकर के देगा। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, किसी बेटी के लिए पूरा बहुजन समाज आकर के रेवाड़ी जिले की सड़कों पर उतर आइए। जब तक आप लोग रेवाड़ी जिलों की सड़कों पर नहीं उतरोगे, जब तक आप इन मनुवादी सरकार का घेराव आप नहीं करोगे, तो हम उस बेटियों को किसी भी प्रकार से ढूंढने में सक्सेसफुल नहीं पा सकते। साथियों, जब वो शिवानी नाम की बिटिया जब गायब हुई थी, काफी सरकार के लोग, काफी बीजेपी सरकार के काफी एमएलए, मिनिस्टर, एमपी आज तक भी उस बेटी को ढूंढने में कामयाब नहीं हुए। और कहीं से तो सुनने में यह भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये बीजेपी सरकार का भी कहीं ना कहीं काम भी हो सकता है। साथियों, क्योंकि साथियों, जो बीजेपी का जो विधायक डॉक्टर बनवारी लाल, उसके घर के बिल्कुल सामने हमारे समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और लगातार एक साल हमारे समाज के लोगों ने धरने पर बैठकर काफी कठिन से कठिन प्रयास उस बेटी को ढूंढने के लिए किया था, और डॉक्टर बनवारी लाल आज तक भी उस धरने पर बैठने के लिए नहीं आया था। साथियों, उस धरने पर उस पीड़ित परिवार से पूछने तक भी नहीं आया था कि तुम्हारा क्या हाल है और तुम किस तरीके से अपनी बेटी को ढूंढने में लगे हुए हो और आप मुझसे क्या कार्रवाई चाहते हो, किसी भी प्रकार की सुनने के लिए उस परिवार के सामने वो डॉक्टर बनवारी लाल नहीं आता है। और बड़े दुख की बात तो यह है कि डॉक्टर बनवारी लाल भी शेड्यूल कास्ट समाज से संबंध रखता है। साथियों, आज इस समाज के जो चमचे, ये समाज के जो दलाल आज ये हमारे समाज विधानसभा में भेजता है, चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजता है, आज उसके बारे में ये पूछते तक भी नहीं। कितनी गुनोना सिस्टम इन लोगों ने हमारे लिए लागू कर दिया है। साथियों, आप किस प्रकार से आप अंदाजा लगाओगे कि हम लोग, हमारे समाज की बेटियां, हमारे समाज के युवा इस सरकार में किस तरीके से सुरक्षित रह पाएंगे। साथियों, हम लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ में, साथियों, किस तरह की विडंबना हम लोगों के लिए सोचने के लिए मिल रही है।